एंड फिर मैंने उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना स्टार्ट किया। तो भाई देखते ही देखते आप देख सकते हो, ये मतलब 6 से 7 महीने के बाद की मेरी तस्वीरें हैं। मेरे बालों की जो ग्रोथ है ना गाइज, मतलब ऐसी बूस्ट हुई भाई, मैं मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा था कि गाइज हेयर फॉल, डैंड्रफ, गंजापन, एलोपेसिया जैसे बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं गाइज। आपके आसपास में हर कोई, मतलब हर दूसरा बंदा इस चीज़ से जूझ रहा है। एंड गाइज हम खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब ये सब चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती हैं, स्टॉप नहीं होती हैं जब तक आपको एक सही इलाज ना मिले आपके स्किन हेल्थ और बालों के हिसाब से। दोस्तों इनमें से कुछ समस्याओं से मैं गुजर चुका हूँ ऑलरेडी, एंड मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि कैसा फील होता है जब ये सब चीज़ आपके साथ होने लगती हैं। दोस्तों थैंक्स टू मेरी नानी माँ जिन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट सजेस्ट करा। अब उनको कहाँ से मिला क्या मिला मुझे इस बात का कुछ आइडिया नहीं है गाइज, लेकिन करीब करीब 7 से 8 साल से वो इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं एंड उनके बालों में आज भी कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलती मुझे। एंड गाइज अभी तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है चीज की, बहुत ज्यादा कम उम्र वाले लोगों में भी ये चीजें देखने के लिए मिल जा रही है। सो गाइज अगर मेरी बात करूँ मैं तो करीब करीब 4 से 5 साल के पहले की बात है जब मेरे सामने के और साइड के पूरे बाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस था गाइज एंड बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था, आयुर्वेदिक लेके केमिकल प्रोडक्ट्स, शैम्पू वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ओवर शैम्पू मैं करता था या फिर हेयर ड्रायर मैं हमेशा यूज़ करता था, तो नेचुरली जैसे ट्रीट करते हैं बालों को उसी तरह से करता था, लेकिन फिर भी मुझे बालों की समस्या होने लगी थी। लेकिन गाइज इस ऑयल ने मेरी जेन्युइनली हेल्प की है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा मतलब खाली हो चुका है, इसके अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको उसको खोल के भी दिखा सकता हूं। देखो पूरा ऑलमोस्ट, अगर दिख रहा होगा आपको तो ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका है डब्बा। सो गाइज ये लोकल प्रोडक्ट है जहां से मैं परचेस करता हूँ, उसके पास स्टॉक खत्म हो गया है। सो गाइज अगर इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ नैसर्गिक एक्सट्रैक्ट वाले प्लांट बेस्ड चीज़ें उनका अर्क है इसके अंदर। तो भाई केमिकल इसके अंदर में नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि शायद कोई केमिकल हो या फिर वो हमारे बालों के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर कोई साइड इफेक्ट दिखा सकता है, तो भाई ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, इस ऑयल को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे बालों पे या फिर स्किन पे, स्कैल्प पे कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। हो सकता है आपके स्कैल्प के ऊपर ये कोई साइड इफेक्ट दिखाए गाइज, ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऑनलाइन में ना बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट इसी के बिक रहे हैं। एक्चुअली मैंने 2 बार ट्राई करे ऑनलाइन मंगा के, लेकिन उनका कोई भी असर मेरे बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर नहीं हुआ, तो मैं वहां से छोड़ के भाई जो मैं हमेशा से परचेस करता हूं तो उसी के पास से मैंने ये परचेस करना स्टार्ट कर दिया फिर से। गाइज मैन्युफैक्चरिंग डेट कंपनी प्रोवाइड कराती है पैकेट के ऊपर, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वहां से 24 महीने पहले ही इस प्रोडक्ट को यूज किया जाना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बाद में शायद कोई साइड इफेक्ट दिखा सकता है। एंड गाइस जो इलाज मैं खुद आपको बता रहा हूँ उसका 100% मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा गाइस। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट में है इसकी ब्रांडिंग एंड गाइस बैक में मिल जाएगी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिस्टेड है मतलब परसेंटेज के साथ में यहाँ पर जितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उनका कितना परसेंटेज यहाँ पर यूज़ किया गया है उसका पूरा मतलब मेंशन किया गया है। तो गाइस जैसे कि पैकेट पे देख सकते हो आप, कोई भी केमिकल लिस्टेड नहीं है। इसके बियॉन्ड अगर कोई केमिकल कंपनी यूज़ करती तो भाई उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अपने को। एंड गाइस पैकेट की प्राइस है MRP मतलब 130 रुपये, एंड 130 रुपये के अंदर में आपको लगभग 100 ml की बॉटल मिल जाती है। सो गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का एड्रेस भी है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन के पास में इनका फैक्ट्री है। तो गाइज इनको आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो आप इनको। तो मैं एक बात बोलूँगा कि इनके पास से ही गाइज प्रोडक्ट परचेस करना, क्योंकि यही वाला जो फैक्ट्री है यहाँ पर ओरिजिनल चीज़ बनाती है। बाकी फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर आप जाओगे तो वहाँ पर डुप्लीकेट वाले भी बैठे हैं भाई। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह से आपका पैसा वेस्ट हो। सो भाई अगर आप महाराष्ट्र से बाहर रहते हो तो अगर ये प्रोडक्ट आपके लोकेशन में अवेलेबल नहीं है तो कंपनी को कांटेक्ट करने के बाद ही आप इस प्रोडक्ट को परचेस करिए, या फिर वो आपको शिप करवा देंगे आपके लोकेशन पे, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा, लेकिन कंपनी को कांटेक्ट करके ही आप प्रोडक्ट परचेस करना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हेयर लॉस को ये ठीक करता है, डैंड्रफ को क्योर करता है, स्प्लिट हेयर्स की अगर प्रॉब्लम है आपको तो वो भी ये ठीक कर सकता है, स्पेशली एलोपेसिया एंड बाल्डनेस के ऊपर ये क्योर करता है। तो ये सब चीज़ें पैकेट के ऊपर ही उन्होंने मेंशन कर दी है गाइस। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पैकेट के ऊपर जितने इंग्रेडिएंट्स मेंशन है मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ कि इनमें क्या क्या है। एंड गाइस जो मेंशन है वो सभी टेक्निकल नाम है सभी इंग्रेडिएंट्स के, तो आप इनको नेट पे भी सर्च कर सकते हो 1 by 1। तो दोस्तों जो पहला इंग्रेडिएंट है उसका नाम मैंने ऊपर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो। कॉमनली हम इसे बरगद के पेड़ का एक टाइप बोल सकते हैं, जो वसंत में वट वृक्ष की शाखाएँ होती हैं कोमल, उनका इस्तेमाल इस तेल बनाने के
निर्माण में आता है। गाइस दूसरा इंग्रेडिएंट है वाइट टर्मरिक, जो साइंटिफिक नेम है उसका कुकुमा कुछ नाम है उसका। भाई हम भारतीय हैं, भारतीयों को हल्दी के गुणों के बारे में बताना मतलब किसी ज्ञानी को ज्ञान सिखाने के बराबर है, मतलब हम सभी जानते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है गाइस हेना प्लांट का, मतलब कभी ना कभी अपने लाइफ में आप हेना मेहंदी यूज करे होंगे, जो बालों के टेक्सचर को एनहांस करता है, बालों में शाइन लाता है और भी कई सारे फायदे होते हैं इसके। अगला इंग्रेडिएंट है गाइस आंवला। आंवला का इस्तेमाल भी इस तेल को बनाने के लिए होता है एंड आंवला के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं हम सबको पता ही। अगला है ये फूल वाला पौधा, जिसको आप कभी ना कभी गार्डन में देखे होंगे। एंड गाइस ऐसे ही आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी नेट पे उनका नाम चेक कर सकते हो, सभी प्लांट्स ही हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं इसने मेरे बालों के ऊपर किस तरह से असर दिखाया था। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये कुछ मेरी 4-5 साल पहले की तस्वीर है एंड सामने के बाल और साइड के बाल जो है वो झड़ना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद मैंने कोई मतलब मेरी फ़ोटो क्लिक नहीं करी गाइस, क्योंकि सामने से और साइड से जब भी मैं फ़ोटो लेता था बालों को ऐसा साइड में करके तो बहुत अजीब और बहुत भद्दी तस्वीरें आती थी, बहुत अजीब लगता था, तो मैंने फ़ोटोज़ भी लेना छोड़ दी गाइस। उसके बाद मैं जब पढ़ाई जस्ट ख़त्म हुई थी मेरी, उस टाइम मैं गाँव गया एंड गाइस गाँव में नानी ने मेरी ये बात नोटिस करी कि सामने से और साइड से बहुत ज़्यादा बाल छुड़ चुके हैं, तो उन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया मतलब ये ऑयल दिया एंड यूज़ करने बोला रोज़, मतलब हर रोज़ आप यूज़ करोगे तो आपके बालों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मैं भाई ऐसा सोचता था कि यार इतने सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ कर लिया, इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स या फिर वो 500-400 रुपये में जो मिलता है वो सभी यूज़ कर लिए, भाई वो प्रोडक्ट नहीं कर पाया कुछ, तो ये नानी का प्रोडक्ट क्या कर लेगा, मतलब ये नानी ने जो ऑयल दिया है वो क्या कर लेगा। तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे ही होते हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग ट्राई कर लेते हैं तो वो टाइम पे हमारा ट्रस्ट बिल्कुल उड़ चुका होता है। बालों के समस्याओं के लिए तो हम ज़्यादा करके ट्रस्ट करते ही नहीं है किसी ऑयल पे, और ऑब्वियस बात है भाई जब आप ट्राई करोगे मतलब 10-15 ऑयल से ज़्यादा अगर आप आपके बालों पे पोतने के बाद में आपको अगर कोई असर नहीं दिखता है तो सिंपल सी बात है भाई कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पैराशूट का ऑयल जस्ट खत्म हो गया था गाइज ऑलमोस्ट मेरे पास में, पैराशूट का ऑयल यूज़ कर रहा था मैं वो टाइम पे एंड फिर मैंने कुछ दिन के लिए ये ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं रिजल्ट देख के हैरान भाई, सिर्फ मतलब 30 दिन के अंदर में जहाँ पर मेरे बाल झड़ चुके थे वहाँ पर रिजनरेशन मतलब स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर मेरे बाल झड़ चुके थे वहाँ पे 30 दिनों के अंदर में ही मुझे मतलब एक महीने के आसपास में अच्छा असर देखने के लिए मिला था। तो गाइज मेरे को थोड़ा होप मिली एंड फिर मैंने उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट किया, तो भाई देखते ही देखते आप देख सकते हो ये मतलब 6-7 महीने के बाद की मेरी तस्वीरें, मेरे बालों की जो ग्रोथ है ना गाइज मतलब ऐसी बूस्ट हुई भाई, मैं मेरे को ना यकीन नहीं हो रहा था कि ये भाई सच है, मतलब सपना सा लग रहा था मुझे, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चला गया था वो टाइम पे कि भाई क्या हो गया अगर सामने के मतलब पूरा अगर गंजा हो गया मैं तो कितना अजीब लगेगा, लाइक आप समझ सकते हो। एंड गाइज आज भी मैं वही ऑयल यूज़ कर रहा हूँ एंड आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस ऑयल को एक बार ट्राई ज़रूर करिए, इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, शायद हो सकता है आपकी भी प्रॉब्लम 100% ये सॉल्व कर दे। एंड गाइज उस टाइम से मैं नोट कर रहा हूँ कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसके बाद में हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, बाल अच्छे से ग्रो होने लग गए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बालों की बहुत ज़्यादा हेल्थ अच्छी हो गई। सो गाइज मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सर्विस पे खर्चा करने के बाद में हम सोचते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, लेकिन भाई एक बार ट्राई करने में क्या चाहते हैं, ओके हो सकता है कोई आखिरी टाइम में कोई आखिरी चीज़ काम कर दे, लेकिन भाई इन द एंड ये पूरी तरह से आपका डिसीजन है, आपकी मर्जी है, आपके बाल आपकी स्किन आपको उनके साथ में क्या करना है क्या नहीं ये पूरी तरीके से आपका अधिकार है।